लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। केरल में आई जल महाप्रलय से लाखों लोग प्रभावित हुए हैं। दक्षिण भारत का यह तटवर्ती राज्य 100 सालों की सबसे भयंकर बाढ़ में डूबा हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी हवाई सर्वेक्षण कर जल प्रलय से प्रभावित इलाकों का जायजा लिया। पीएम मोदी के साथ केरल के सीएम पिनराई विजयन और अन्य अधिकारी भी मौजूद थे। यही नहीं, केंद्र ने 500 करोड़ रुपए की सहायता राशि और दी है। इससे पहले केंद्र ने 100 करोड़ की मदद का भरोसा दिया था। ऐसे में केंद्र ने अब तक 600 करोड़ रुपए की सहायता राशि की घोषणा की है। हालांकि आपको बता दें कि राज्य सरकार ने बाढ़ प्रभावित इलाकों के लिए 2000 करोड़ रुपए की सहायता राशि की मांग रखी है। अब तक 9 दिन से जारी भारी बारिश और बाढ़ के चलते करीब 180 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं मई से अब तक बाढ़ और भारी बारिश से 324 की जान गई है। भगवान का अपना देश कहे जाने वाला केरल जल प्रलय की चपेट में है। वह भी ऐसी प्रलय जिसके सामने मानव बौना साबित हो रहा है। एनडीआरएफ और भारतीय वायुसेना भी राहत और बचाव कार्य में जुटे हुए हैं। सूबे के कई हिस्से जलमग्न हो गए हैं और 324 लोगों की जान चली गई है। 314,391 लोग बेघर हो गए हैं, जिनको 2000 से ज्यादा राहत कैंपों में रखा गया है। इसके अलावा रक्षा मंत्रालय ने केरल को राहत और बचाव कार्य के लिए 1,300 लाइफ जैकेट्स, 571 लाइफ बॉय, 1,000 रेनकोट, 1,300 गम्बूट, 25 मोटराइज बोट, 9 नॉन मोटराइज बोट, 1,500 फूड पैकेट और 1,200 रेडी टू ईट मील उपलब्ध कराए हैं।